सभी शिक्षकों से अपील करते हैं कि कोई भी साथी फॉर्म मत भरिए। लड़ाई फॉर्म भरने का लड़ाई नहीं ना है, यह जो लड़ाई है हम लोगों की यह मोगैम्बो को हटाने की लड़ाई है। इसलिए इस मोगैम्बो को हटने तक फॉर्म नहीं भरना है, मोगैम्बो हटेगा। और कल जो है उप मुख्यमंत्री जी जब वार्ता करेंगे तो वार्ता करने के बाद हम लोग जिस निर्णय पर आएंगे, जब सरकार पहल की है तो सरकार पर भी भरोसा करना पड़ेगा ना। हम राज्य के उप मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री पर भी भरोसा कर रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी पर भी भरोसा कर रहे हैं। और हम शिक्षकों से अपील करते हैं कि आप लोग भरोसा करिए, जब उप मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है तो कल हम जाएंगे, उनके साथ वार्ता होगी और सकारात्मक वार्ता होगी। परीक्षा की ही बात है तो परीक्षा के लिए क्या होता है, अगर कुछ राय बनती है जैसी बात होगी, अगर परीक्षा ही होगी नहीं होगी क्या होगा, कल की बात है, बात की बात है। घबराना नहीं है किसी को, फॉर्म कोई मत भरिए। जिनको जिनको मन है कि बाल बच्चा को छोड़ करके बाहर में बहुआने का, तो जाइए फॉर्म भर दीजिए। जिनको जिनको अपने घर में अपने परिवार में लोगों से पटरी नहीं बैठा हुआ था, आप लोग जाइए बहुआइए, जहाँ जहाँ दूसरे जिला में भेजेगा तो जाइए। इस तरीके से मत कीजिए, संगठन पर विश्वास करिए, विश्वास करने से ही आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए सभी साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन है, फार्म अगर आप लोग भर भी दिए हैं ऑनलाइन, उसका ऑफलाइन मत करिए, उसका हार्ड कॉपी जमा मत कीजिए। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपको राजकर्मी का दर्जा दिलाएंगे और निश्चित रूप से आपको अंतर जिला स्थानांतरण के इस नियम से मुक्ति दिलाएंगे, हम मोगैम्बो से ही मुक्ति दिलाएंगे। और शिक्षकों के सम्मान पर जो उठाघात हो रहा है, शिक्षकों का सम्मान की गरिमा पर हमला करने वाले को धूल चटा देंगे, औकात बता देंगे। केवल विश्वास तो रखिए मेरे भाई, हमने कह दिया है, हम जल्दी कुछ बोलते नहीं है, हमने जब कह दिया है इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई समझ के हम लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप श्रेय लूट लीजिए, जीत लीजिए शिक्षकों का दिल। 4 लाख परिवार आपका कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। करना क्या है, पैसा थोड़े ही मांग रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत हो जाएगी। राज्य का जो राजकोषीय जो बजट है, उस बजट पर कोई थोड़े प्रभाव पड़ना है। आप निर्णय तो ले ही चुके हुए हैं, आप तो ऑलरेडी निर्णय कर चुके हुए हैं कि हाँ हमको राजकर्मी बनाएंगे। लेकिन राजकर्मी बनाने की जो शर्तें हैं, उन शर्तों को केवल आप खत्म कर दीजिए और आप शिक्षकों का श्रेय ले लीजिए, जीत लीजिए राजकर्मी का श्रेय ले लीजिए। एक साथ आपको 4 लाख परिवार जुड़ जाएगा। और जान लीजिए, यह जो लड़ाई है, यह नियोजित शिक्षकों के जीवन की सबसे अंतिम लड़ाई है और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। इसके बाद अब लड़ाई उड़ाई होने वाली नहीं है। इस लड़ाई में अगर आपने उनका दिल जीत लिया तो सदा के लिए पूरे बिहार में शिक्षक इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षर अंकित हो जाएगा। शिक्षकों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, बस केवल और केवल इतना करिए ना, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, ये जो मोगैम्बो है इसको हटाइए। पहले मोगैम्बो को हटाना बहुत जरूरी है, इसको भगाइए, हर दिन शिक्षकों को अपमानित करता है। दूसरा कर दीजिए, या बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए, या स्थानांतरण वाली जो बात है इसको आप समाप्त कर दीजिए। हम पैसा तो मांग नहीं रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को यह जो अवसर मिला है, ऐसा ऐसा अवसर बहुत बिरले लोगों को मिलता है। लोगों को जो ऊँचे पदों पर जाते हैं, सामान्य लोगों को वह सामर्थ्य नहीं रहता है। सभी लोगों को सामर्थ्य भगवान नहीं देते हैं, और जिनको सामर्थ्य देते हैं तो उनको देने का अवसर नहीं देते हैं। आपको भी सामर्थ्य भी मिला है और देने का अवसर भी मिला है। सम्राट चौधरी जी, जीत लीजिए शिक्षकों का दिल, आपको फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं तक इस वीडियो को पहुँचा दिया जाए। हम अपील करेंगे आपके दर्शकों को कि सभी लोग इसको नरेंद्र मोदी तक टैग कर दीजिए, क्योंकि या फिर इसके बाद भाजपा को ऐसा सुअवसर मिलने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी जी कल बुलाए हैं, हम इसके लिए इनको धन्यवाद देते हैं इस पहल के लिए। राज्य के हमारे शिक्षकों के सम्मानित नेता प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी, इन्होंने भी पहल किया था। कल सदन के अंदर भी इन्होंने मामला उठाया, और कल जिस समय में सम्राट चौधरी जी सामने मीटिंग कर रहे थे, उस समय में नवल भैया से हमने आग्रह किया तो टेलीफोन पर सम्राट जी को उन्होंने कहा, और सम्राट जी निकल कर गेट पर आए और आ करके और आश्वस्त किया कि वार्ता करेंगे। तो इसके लिए नवल भैया को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्होंने पहल की है। और हम ये चाहेंगे, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि कल की जो मीटिंग है उसमें आप ही रहिए, क्योंकि आप हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं। तो आवाज़ उठाते रहे हैं तो उसको जमीन पर ला करके और अभी करा देने का अवसर है या मौका है। इसलिए नवल भैया को भी इसमें स्टैंड लेना होगा, उनको भी आगे आना चाहिए। और कल वार्ता हो, पूरा पूरे दिल खोल करके वार्ता कीजिए। शिक्षक, आपको अगर यह लगता है कि आपको पिछले बार वोट नहीं किया था तो वोट कोई एक बार की बात तो है नहीं, इसके बाद हम लोग हमेशा परमानेंट आपके हो जाएंगे। जैसे ही ये जो हमारे जो चचा हैं पलटी मारते मारते जो है, ये अब आप तक आ गए हैं, कहते अब पलटी नहीं मारेंगे, तो हम लोग भी अब नहीं पलटी मारेंगे, हम लोग हमेशा आप ही के साथ रहेंगे। लेकिन इस बार कर दीजिए, बस हम यही करना चाहेंगे। सम्राट जी को श्रेय लूटने का समय आ गया है, जीत लीजिए शिक्षकों का दिल, फिर ऐसा अवसर मिले।